मयल दुसामर की कथा। एक दिन मूसा की व्यवस्था को एक जानकार यीशु में आई। उ सभ्यों ते यु दिखाण चाहन छो कि यीशु गलत ढंगल सिखाणु छ। इले वेल बोली, हे गुरुजी, हमेशा को जीवन पाणु को मी क्या कर। यीशु जवाब दीन, पिता परमेश्वर की व्यवस्था में क्या लिख्यो छ। वे आदिमल बोली, व्यवस्था में इन बोलेगे कि अपना परमेश्वर बटी अपना सारा मन प्राण सामर्थ और बुद्धि बटी प्रेम कर और अपना पड़ोसी बटी अफजन प्रेम कर। यीशु जवाब दीन, तू बिल्कुल सह बोलनी छे। जो तू इन कर तो तुए ते हमेशा को जीवन मिलल। पर वो व्यवस्था को जानकार लुखो ते दिखाण चाह छो कि वे को जीवन जीणो को ढंग सह छ। इले वेल यीशु बटी पूछी, ठीक छ, तो मेर पड़ोसी कुछ। यीशु वे व्यवस्था को जानकार ते एक कथा बताए के जवाब दीन, एक यहूदी आदिम छो जो एक सड़क बटी वह के यरूशलेम शहर बटी यरीहो शहरों को जानु छो। पर कुछ डाकुओं लो वे थे देखी और वे पर हमला कर दीन। उन वे को सभी कुछ ले लीन और वे थे मुरण तक पिटना रहन। तब चल गिन। कुछ देर बाद एक यहूदी याजक वी सड़क बटी वह के गुजरी। वे याजकल वे आदिम थे सड़क पर पुड़ियों देखी। जब वेल वे थे देखी तो वो सड़क दूसरी ओर जाके अग्नि बढ़ गए। वेल वे घायल आदिम थे पूरा ढंग से अनदेखू कर दीन। यहाँ का बाद कुछ भगत बितना का बाद एक लेवी वी सड़क पर आई। उ लेवी भी सड़क की दूसरी तरफ बटी निकल गए। वेल भी वे घायल आदिम थे देख के अनदेखा कर दीन। है को आदिम जो वी सड़क पर आई उ सामरी को एक आदिम छो। वे सामरी सड़क पर वे घायल आदिम थे देखी। वेल देखी कि वह यहूदी छो, पर फिर भी वेल वे घायल पर बड़ो तरस खाई। तब उ वे मां गई और वेल वे का घावों पर पट्टी बांध। फिर वे सामरिल वे आदिम ते अपने गधा पर रखी और वे ते सड़क का रास्ता एक सराय में लीगी जखू वे की देखभाल कनु रहे। हैं का दिन वे सामरी ते अपनी यात्रा में जान जरूरी छो। वेल वी सराय का प्रभारी आदिम ते कुछ रुपये दीन। वेल बोली, ये आदमी की देखभाल करी, जो यूं रुपयों के अलावा तेरे कुछ और रुपया लगनू तो वापस आण पर मित्व ते भर दे। फिर ये शुल मूसा की व्यवस्था का जानकार बेटी पूछी, तुम के सोच दया यु तीन लुखों में बेटी कु वे आदिम को पड़ोसी च जय ते लूटी और पीट छो। वेल जवाब दीन, उ ही जो वे पर दयालु है। ये शुल बेटी बोली, तू जय के इन्नी खैर। लूका अध्याय 10:25-37 बटी एक बाइबल की कथा।